गाइस, क्या हाल है? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और GTA 5 के एक और गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, इतने दिनों बाद हम लोग फिर से फेस कैम करने जा रहे हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम फेस स्कैम करने के साथ साथ एक खतरनाक सी सीरीज भी शुरू कर दे माइनक्राफ्ट में। हाँ, कि मेरा आइडिया था? नहीं, मेरा था। अरे यार, किसी का भी आइडिया हो, लेकिन जो भी आइडिया था बहुत ही खतरनाक था। तो गाइस, हम लोग आज से सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ना ही हम चीट्स यूज करने वाले हैं, ना ही मोड्स। अरे सच में? अरे हाँ यार, शिनचैन तू भरोसा कर सकता है हम पे, और गाइस आप लोग भी कर सकते हो। अरे हाँ गाइस, सर्वाइवल सीरीज का तो मतलब ये होता है पूरे अच्छे तरीके से सर्वाइव करना। बिल्कुल सही बोला शिनचैन ने। तो गाइस, अभी सर्वाइवल सीरीज के लिए हमने इस वर्ल्ड को नया नया बनाया एकदम। तो जैसा कि गाइस आप लोग जानती हो कि सर्वाइवल सीरीज का मतलब होता है कि यार पूरा स्टार्टिंग से गेम कैसे चलता है, उसके बाद हम लोगों को लास्ट में एंड ड्रैगन को मारना होता है, और एंड ड्रैगन को मारना इस सीरीज का एंड होता है। मतलब कि गाइस, फाइनल बॉस एंड ड्रैगन होता है हमारा। बाकी छोटे मोटे बॉस तो मिलते ही रहेंगे अभी यहाँ पर, जैसे कि स्केलेटन हो गया, ज़ॉम्बीज हो गए, और वो अजीब सा एंडरमैन हो गया। अरे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बी पिगलिन, हॉगलिन, और इधर। अरे हाँ हाँ यार, ये सब हम लोग जान जाएंगे, तेरे को तो मेरे से भी ज्यादा पता वैसे। खैर गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी का। और गाइस, आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हमारी इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे खतरनाक वीडियोस आपको रोज देखने को मिले। और उस घंटे का नोटिफिकेशन को भी दबा दो, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो फिर आपके फोन की भी घंटे बज जाए। हां एकदम टन करके। अरे टन करके नहीं, टन टन करके। अरे टन 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 करके यार, कैसे भी बजे पर घंटी बजेगी गाइस। तो गाइस, अभी यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अरे यार, पहली बार में डैमेज पड़ गया। यार इसे वापस से नॉर्मल मोड में लाता हूँ मैं, FPP वाले। और फर्स्ट पर्सन में लाने के बाद हमारा सबसे काम होता है, मतलब पहला काम होता है गाइस, पेड़ों को खो। ये किसने मारा मुझे? अरे मैंने मारा था, ये मेरा पेड़ है। अच्छा ठीक है यार, कैसा यार कैसा होता है यार, जानवर भी अजीब ही होता है बिल्कुल। हम कुत्तों का ऐसी होता है, हम अपना टॉयलेट करने तक के लिए अलग पेड़ बनाते हैं अपना, इसलिए तुम मेरे पेड़ पे हाथ नहीं मार सकते। अरे यार क्या ही बोलूं गाइस, मैं गलती कर दी ऐसा लग रहा है मुझे। तो गाइस अभी जल्दी से यार, कैसी भी वुड मिले, अभी बस वुड तोड़नी है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, मेरी वुड क्यों ले रहा तू? अरे किसी को भी मिला उसमें क्या है, सारी चीजें मिल बांट के यूज करेंगे। हाँ खैर, देखेंगे कितना मिलता बांटता है तू। जहाँ तक मेरे को पता है गाइस, एक चीज ये हमारे साथ शेयर नहीं करने वाला, इमरजेंसी यह वक्त ही करेगा, अगर करेगा भी तो, वरना मुझे नहीं लगता कि कुछ शेयर होने भी वाला है। खैर गाइस, अभी यहाँ पर एक सेकंड, चॉप की ब्रीड वाले लोग। अरे कौन दिख गया तुम्हें? वो देख, एक डॉगी दिखा, तू बात कर सकता है उससे? अरे ट्राई करता हूँ। हेलो कुत्ते, कैसे हो तुम? एक सेकंड गाइस, ये तो ऐसी भग गया, रहने तो चॉप नहीं कर पाएगा तुझसे बात। अरे ट्राई करके देखता हूँ। हेलो कुत्ते, तुम्हारी मम्मी पापा कैसे हैं? तो हट जा, मैं खुद दो बच्चों का बाप हूँ। गाइस ये क्या था, एक मिनट। यो चॉप, थारा भाई चॉप इतने पेड़ खोद डालेगा कि किसी ने सोती ना होगी। अरे यार ये डायलॉग तो मेरे दिमाग में भी आ रहा था। खैर देखो, मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली, देखा इतना ज्यादा मान हूँ मैं, सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाई मैंने। तूने कोई बड़ा काम नहीं करा, एक मिनट। ठीक है क्राफ्टिंग टेबल मैं भी बना देता, चार लकड़ियाँ लगा के। अरे लकड़ियाँ लगा के, थोड़ी प्लैंक लगा के। हाँ प्लैंक लगा के, मतलब वही। मेरे को तो पहले से पता था तुम सब में से कोई ना कोई बनाई लेगा क्राफ्टिंग टेबल, इसलिए मैंने बनाई नहीं, अपनी लकड़ियाँ बचा ली सारी की सारी। देखा मेरा दिमाग। गाइस यार ये लोग कितने अजीब है ना, मैं क्या ही बोलूं। खैर हम लोग एक काम करते हैं, वुडन प्लैंक्स बना लेते जितने ज्यादा बना सकते हैं। हाँ तो गाइस अभी हमारे पास 24 वुडन प्लैंक्स है, अभी काम करता हूँ इनसे वुडन एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक सेकंड, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, ऐसे नहीं गाइस, पहले स्टिक निकालनी होती है। आई एम नूब, नूब वाली हरकत करी यार अभी मैंने। यार अभी मैं लगाता हूँ जल्दी से इन स्टिक्स को ऐसे, और यहाँ पर हम एक्स बना लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, अब पेड़ खोदेंगे गाइस एकदम जल्दी जल्दी। दो एक्स बना लेता हूँ, एक खत्म होगी तो दूसरी ले लेंगे। हट जा शिनचैन, मेरे को भी खोदना है यार। एक काम करो, मेरे से तलवार ले लो। ये तलवार किस ले दी तूने? अरे ज़ॉम्बी वगैरह आएंगे उनको मारने के लिए, उनको क्या अपने हाथों से मारोगे? हाथों से वैसे मार सकते हैं, लेकिन गाइस एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद दूसरा ज़ॉम्बी हम पे अटैक करेगा और हम फिर मर जाएंगे, क्योंकि हमारी हेल्थ ही खत्म हो चुकी होगी। खैर अभी तो यार लकड़ी खोदना ही हमारे लिए सबसे मेन काम है। गाइस आज कम से कम हमें अपना घर तो बनाना ही है यार रात तक, इसके लिए गाइस हमें बैट्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गाइस अगर रात को जल्दी से पार करना है तो फिर बैट्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, और हम तो तीन लोग हैं यार, मतलब हम तीनों को बैट्स की जरूरत है। खैर बैट्स का इंतजाम तो हम कर ही लेंगे, इतनी जल्दी जल्दी तो हाथ चला ही लेते हैं यार हम। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पर। हाँ तू चिंता मत कर यार, तेरे से तो जल्दी कर रहा हूँ मैं अभी। अरे ये क्या बात हुई, अभी तो मैंने सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाया और आप मेरे से कह रहे हो? क्राफ्टिंग टेबल बनाने से थोड़ी कुछ हो जाता है, तूने अभी अपना टाइम भी तो वेस्ट किया ना ये चीजें बनाने में, जैसे कि एक्स वगैरह, स्वॉर्ड वगैरह। यार मैंने भी बनाई थी, पर मैंने उतना टाइम वेस्ट नहीं करा जितना तूने किया। खैर गाइस कुछ भी बोल रहा हूँ यार मैं। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ। यार कोई बात नहीं यार, अभी एक्साइटमेंट है ना यार, मेरे को पता नहीं हम लोग क्या क्या करेंगे इन सर्वाइवल सीरीज में। एक सेकंड यार, रात और होने लग गई, अब यार करेंगे क्या, भगना पड़ेगा गाइस कहीं ना कहीं। तीनों साथ में हो जाते हैं काम,
करते हैं, रात हो रही है, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज़ वगैरह ने हमें मार दिया ना, सारी की सारी अचीवमेंट जितनी भी अनलॉक होने वाली थी सब बेकार हो जाएगी। ये बात तो बिल्कुल सही बोली गाइस। ज़ॉम्बी दिखने वाले थोड़ी देर में, एक सेकंड एक शीप दिखी, जल्दी मार दे चॉप, बहुत बढ़िया। रुको एक सेकंड गाइस, आगे क्या, मेरे को भी शीप दिख रही है, बहुत ही बढ़िया, इन्हें भी मारता हूँ मैं। एक मारी, ये यार ब्लैक शीप है, इसको मार के कोई फायदा नहीं है गाइस। हमें तीन सेम कलर के वूल चाहिए होते हैं। अगर मैं ब्लैक शीप को मारूंगा तो फिर दो व्हाइट होंगे मेरे पास, एक ब्लैक होगा, और फिर मैं बेड तो बना ही नहीं पाऊंगा। इसलिए गाइस ढूंढना पड़ेगा और शीप्स को। शीप्स और नहीं है क्या यहाँ पर? अरे रुको मैक्स, मेरे से तुम ले सकते हो, मैंने बेबी शीप्स मारी है दो। एक सेकंड, तू कब से इतना भला हो गया? अरे मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी। एक सेकंड, हाथ में क्या है तेरे? मीट है गाइस इसके हाथ में, कराना क्या चाह रहे तू हमसे? मीट खाने की बात है तो हम खा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे। ये वैसे भी गाइस हमारे तीन लेवल गिरे हुए फूट के। अरे पूरी बात तो सुन लो, तुमसे मैं शेक हैंड करने के लिए बोलूंगा और तुम्हें वो करना होगा एकदम कुत्तों की तरह। एक सेकंड, मतलब ये जैसे मैं तुम्हारे साथ करता हूँ ना, जब तुम मेरे को ट्रीट देते हो, वैसे अब तुम्हें मेरे साथ करना होगा। रहने दे, कोई जरूरत नहीं आनी तो, फालतू की बकवास करा लो गाइस इन लोगों से। अरे अरे जा कर रहे हो, करके तो दिखाओ, थोड़ा सा भाव भाव तो करो। मैं इंसान हूँ, मैं ये सारी चीजें नहीं करता, ये सारी चीजें तेरे पे शोभा देती है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं है, ये लो फ्री में ले लो, लेकिन इसके बदले मेरे को हड्डियाँ चाहिए पूरी के पूरी 10,000। एक सेकंड, मेरे को दे तो तू। अरे तुम्हें नहीं उठाया था इसलिए मैंने वापस उठा लिया। खैर गाइस चल ठीक है, दे दूंगा तेरे को 10,000 हड्डियाँ, लेकिन GTA के अंदर दूंगा, यहाँ पर थोड़ी। अरे यहाँ पे दे देना, क्या ही जा रहा है, यहाँ पर वैसे भी तू खा नहीं पाएगा, यहाँ की हड्डियाँ थोड़ी अजीब होती है, GTA की हड्डियों से कम टेस्टी होती है थोड़ी सी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्केलेटन मिलते हैं, वो पहले से भूत होते हैं, उनकी हड्डियाँ खा के क्या करेगा यार तू, कई करोड़ सालों तक सड़ी हुई हड्डियाँ, और वहाँ पर तुम तेरे को फ्रेश हड्डियाँ खिलाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा फर्क होता है। ओ ऐसी भी बात है क्या? और नहीं तो क्या, और क्या बात हो सकती है यार। वैसे गाइस अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। एक सेकंड गाइस, ज़ॉम्बीज नहीं दिख रहे यार हमें यहाँ पर, और इतनी देर हो गया, हम रात में ऐसे खुले घूम रहे हैं, ना स्केलेटन दिखा ना ज़ॉम्बी दिखा। एक सेकंड, में वर्ल्ड पीसफुल मोड में तो नहीं बन गया? अरे नहीं नहीं पीसफुल मोड में नहीं बना, शिनचैन कहाँ पर है? हाँ गाइस शिनचैन भी तो मिसिंग है, एक मिनट शिनचैन कहाँ पर है? खा लेता हूँ गाइस मैं, पहले खाना खा लूँ मैं जरा। अरे रुको रुको मैं ढूंढ देता हूँ शिनचैन को। कहाँ से ढूंढेगा? भूल गया क्या, कुत्ता हूँ मैं, मेरी नाक बहुत तेज होती है और शिनचैन की स्मेल तो मैं दूर से ही पहचान लूंगा। अरे हाँ गाइस ये बात तो मैं भी भूल गया था। चल ठीक है गाइस, चॉप का पीछा करते हैं और पहुँच जाते हैं शिनचैन के पास। अरे भाई यार कितना डैमेज पड़ रहा है मेरे पास, खाने के लिए जो मीट था वो भी मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी, पका के खाते गाइस तो फिर ज्यादा बढ़िया रहता। खैर कोई बात नहीं, अभी यहीं से चलते हैं जल्दी जल्दी। एक सेकंड गाइस, शिनचैन के पास कहाँ पर ले जा रहे यार, तो इतना डैमेज पड़ रहा है मुझे, 4 हार्ट की हेल्थ बची है बस मेरी, अगर ज़ॉम्बी मिल गए ना रास्ते में ऐसी तैसी हो जाएगी। अरे इसकी चिंता मत करो तुम, मैं खा जाऊंगा सारे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के। खैर बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, ठीक है। एक तो गाइस यार रात में हम लोग ऐसे भटक रहे हैं ना, यहाँ मूवी लग रही है गाइस कोई हॉरर। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल यार, कितना अजीब हो जाता है गाइस। एक सेकंड, यहाँ पर एक पिग मिला हमें, इसे मार देते हैं जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। It was at this moment that he knew he fucked up. एक सेकंड गाइस, एक मिनट, ये तो क्रीपर है, भागो यहाँ से। अरे गाइस यार अभी मैंने बोला लाइट कहाँ से आई, अभी देखा मैंने क्रीपर था वो, और गाइस ज़ॉम्बीज़ भी दिखने लग गए अब तो यार, ऐसी तैसी बच गया, भागता हूँ यहाँ से। गाइस ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए यार यहाँ पर, एक मिनट, ये शिनचैन के पास जल्दी पहुँचा यार। अरे पता ही रहा हूँ, रुको तो। खैर रुक, मैं ऐसे आराम से खोद के आऊंगा नीचे, बहुत बढ़िया। तू कहाँ पर चला गया? अरे ऊपर हूँ। अच्छा, यहाँ पर आना है क्या मुझे? यार तो शिनचैन तो ढूंढ रहा है या बस ऐसी मजाक कर रहा है? अरे मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा है सच में? अरे नहीं, लेके चलना हो ना शांति से, चलो। अच्छा ठीक है चल, मैं चलता हूँ शांति से, पता नहीं गाइस अभी क्या ही होगा हमारे साथ। एक सेकंड यार ये कैसी घास है यहाँ पर, इतने अंधेरे में गाइस पता नहीं कैसी, हमें मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा यार ढंग से। एक सेकंड गाइस, जिस चीज का डर था वही होगी यार, मैं मर गया यहाँ पर, मैं बोल रहा था चौप का गायब हो गया था, सारा सामान गिर गया यार मेरा। ये शिनचैन कहाँ पर है अब? सारे के सारे इधर उधर जा रखे हैं गाइस, सब कोई मिल नहीं रहा है। एक सेकंड गाइस, अब जा करके दिखे ये लोग। अरे देख लिया तुमने हमें फाइनली, मुबारक हो तुमने हमें ढूंढ लिया। एक सेकंड, मैं तुम्हें ढूंढने थोड़ी आया था, मैं यहाँ पर यार सर्वाइवल सीरीज कर रहे हैं हम लोग, और तुम ये छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो? खैर कोई बात नहीं गाइस, ये वुडन प्लैक तोड़ता हूँ अभी, जल्दी जल्दी तोड़ना पड़ेगा गाइस, वैसे वो मेरे से पहले तोड़ सकते हैं पर फिर भी मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ थोड़ा तेजी से। ओड़े वुडन प्लैक्स तो हम रख ही लेंगे ताकि कोई वेपन वगैरह बना सके। अरे वो तो मैं भी दे दूंगा आपको। हाँ ठीक है तू भी दे देगा, पर कोई बात नहीं मैं ले लूंगा तो क्या हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, शिनचैन को थोड़ा सा डैमेज पड़ गया, चॉप को भी पड़ गया हल्का सा, लेकिन कोई बात, शिनचैन मेरे सर पे आगे गिरा सीधा, इसलिए मेरे को भी डैमेज पड़ गया। खैर सबसे पहले तो खाना लेता हूँ मैं इससे, और इसे खाता हूँ। वैसे चॉप मेरे पास तेरे लिए भी एक बहुत स्पेशल चीज है। अरे किस लिए? तूने मेरी इतनी मदद करी अभी अंधेरे में, उसके लिए मैं तेरे लिए एक चीज लेके आया हूँ, ये ले तू ये खा। हाँ, खाना दिया तो सड़ा हुआ, ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही बात हुई, तूने ही मेरी मतलब तेरी वजह से ही मैं मरा था अभी। और एक सेकंड गाइस, यहाँ पर हॉर्स है, और इन हॉर्स को हम राइड कर सकते हैं क्या? ट्राई कर लो। ओ एक मिनट गाइस, राइड कर सकते हैं लेकिन हमारे पास सैडल तो है ही नहीं। अरे आपको इतना भी नहीं पता क्या, आप बिना सैडल के भी बैठ सकते हो आप? एक मिनट, ये कैसे किया तूने? इस घोड़े के अंदर से दिल निकले गाइस अभी मेरा दोस्त बन चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चलेगा जब तक मैं सैडल नहीं
लगाऊंगा। ओ अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? खैर मेरे को भी बता यार कैसे दोस्त बनाते हैं। मैं भी, अरे यार ये तो मेरे को मतलब बैठाने नहीं चाहता गाइस अपने ऊपर। इस वाले के ऊपर बैठ के ट्राई कर रहा था मैं, नहीं बैठ सकते। अरे मैं तो मार ही दूंगा इसे अब। क्यों मार देगा? अरे उसने मेरी बेइज्जती कैसे करी मेरे को अपने ऊपर ना बैठा के। महान राजा चौप को कौन नहीं बैठाना पसंद करेगा। ओ क्या महान राजा, नहीं तो कुत्ता है तू एक। ये तो तुम्हारे लिए होना, मैं अल्फिलहाल में तो मैं महान हूँ ना अपनी आंखों के सामने। इस हिसाब से तो मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ और मैं भी एलन मस्क हूँ। एलन मस्क गाइस कई बात बोली यार शिनचान ने। तू एलन मस्क है सच में? और नहीं तो क्या, लगता भी हूँ ना तेरे को थोड़ा थोड़ा। कहाँ से लगता है? एक मिनट, तेरे को लगता है कि तू एलन मस्क जैसा दिखता है? गाइस बताओ कैसी बातें कर रहे हैं यार ये। वो देख वहाँ पर वो ऑक्टोपस देख रहा है तू? हाँ दिख रहा है। सेम उसकी जैसी शक्ल है तेरी। अरे बताऊंगा अभी आपको। माइनक्राफ्ट में गाइस बंदर का पैड नहीं है, लेकिन जब शिनचान होता है ना तो पूरा बंदर लगता है गाइस। तो ऐसा लगता है ये कहाँ से आ गया यार। अरे वो क्या है मेरे सामने? एक सेकंड, ऐसा क्या देख लिया भाई? मेरे तो आंखें ही चुंदी आ गई एकदम से। यार तेरी आंखें बहुत चुंदी आती है, एक पता नहीं कैसा अजीब सा वर्ड यूज करता है गाइस, ये आंखें चुंदी आ गई। और एक मिनट, ये तो इसने विलेज ढूंढ लिया। अब मेरे को समझ में आया कि किसी लिए इतना ज्यादा खुश हुआ। तो गाइस फ्री के पलंग, फ्री के घर, गाइस सब कुछ फ्री का मिल जाएगा। आक्रमण कर दो सारे लोग। हाँ हम वही कर रहे हैं। आगे देखो लुटेरे आ गए, चलो घर खाली करो, तुम्हारे बाप आ गए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है गाइस, जल्दी से पूरे घरों को खाली। खैर ये तो मेरे को खाली घर मिला पहले से, खास मैं खाली करा पाता, लेकिन कोई बात नहीं, बेड रख लेता हूँ तोड़ के। और एक सेकंड, तो आयरन गोलम है, इसका मतलब गाइस हम विलेज वालों को कुछ नहीं कह सकते। लकड़ी, एक सेकंड, ये सीड या फिर लकड़ी में से कुछ खाना नहीं पसंद करता क्या? अरे केवल आयरन खाना पसंद करता है। अच्छा ऐसी भी बात है क्या? ठीक है समझ गया मैं। ये क्या कर रहा है तू? तेरे को बहुत गंदा मारेगा वो। अरे मैं ऊंचाई पर हूँ इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ओ अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या? रुक मैं देखूं जरा। एक मिनट गाइस, मैं भी इसे मार रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, देखो टूटने वाला है। फाइनली इसके सारे आयरन मैंने ले लिया और बहुत ही बढ़िया। अरे ये क्या बात है, मैंने इतनी देर से मारा और आयरन आपने ले लिया। अच्छा यार रुक जा, तेरे को दे देता हूँ ये ले। थोड़ी सी मेहनत मैंने भी करी थी इसलिए दो आयरन मेरे पास रहने दे। अरे दो से कुछ नहीं होता, मेरे को भी तो कुछ बनाना है। अच्छा चल ठीक है ले, तू ये भी ले ले जा, खुश हो जा। तो गाइस हमने सारे के सारे आयरन शिनचान को दे दिए। और विलेजर्स देखना गाइस हमें कैसे देख रहे हैं, जैसे दो आंटियां चुगली कर रही होती है ना हमें देखते वक्त, बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं यार। खैर इनकी बातें छोड़ो गाइस, अभी हम लोग एक काम करते हैं, हमारा घर तो गाइस बन ही चुका है अगर आप देखो तो, और क्या करना है अब हमें, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं फिर। अरे ये क्या बात हुई, अपना घर बनाना होता है पहले दिन, ना कि दूसरों के घर के ऊपर कब्जा करती है। कब्जा करना बुरी बात होती है, बुरी बात। अरे ठीक है यार मान लिया बुरी बात होती है, ठीक है खुद से घर बना लेंगे। एक काम करता हूँ गाइस, घर ही तो खुद से बनाना, तो फिर लकड़ी तोड़ता हूँ यहाँ से। एक मिनट, अंदर किसी को लगी लगता है, अंदर चल क्या रहा है? एक मिनट, अरे मकड़ी थी क्या अंदर? वही मैं सोच चुकी हूँ इसकी क्या सीन है, मेरे को मार क्यों रही है ये? ये ले ये ले गाइस, मैं मरना चाहूँ बस, ऐसी तैसी बेइज्जती हो जाएगी यार, बेइज्जती होने वाली है मेरे को लग रहा है अगर मैं इसे नहीं मार पाया गाइस तो, ऐसी तैसी। ओ गाइस मैंने मार दिया फाइनली। हाँ तो देख शिनचान मैंने पूरा घर बना ही लिया है, बस केवल एक ब्लॉक लगाना रहना है यहाँ पर। कहाँ पर? एक सेकंड, हाँ मैं भूल, यहाँ पर है गाइस, यहाँ पर बस एक ब्लॉक लगाना, ले बन गया मेरा घर। अरे ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है, पूरा घर शुरू से बनाना होता है, ना कि रिपेयर करना होता है। ओ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या? अच्छा ठीक है चल मैं समझ गया। चल मटेरियल तो हमें इन्हीं के पास से मिल जाएगा, इनके चेस्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया गाइस। अरे ऐसा तो पर पॉसिबल ही नहीं है कि चेस्ट खाली मिले। वही तो मैं भी सोच रहा था यार शिनचान, पहले तू मेरे को ब्रेड दे दे। हाँ यार थोड़ी बहुत मैं खा लेता हूँ, उठा ले। अरे भाई हाँ चलो आ गई गाइस मेरे पास, पहले तो अपनी हेल्थ फुल करता हूँ मैं। अरे मैक्स भाई हमें इस बारे में सोचना होगा कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है कि एक भी चेस्ट में कुछ भी सामान नहीं, इसके पीछे तो जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। हाँ यार शिनचान बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, जिसके पीछे कोई तो राज है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं हमारे वर्ल्ड के अंदर कोई अजीब सा क्रिएचर वगैरह तो नहीं आ गया ना। अरे जैसे कि? जैसे कि तू ले मतलब हीरो ब्राइन टाइप का। अरे नहीं नहीं, इस पहेली को सॉल्व करना तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है मुझे। कैसा मुश्किल? एक सेकंड, अबे यार हमारे साथ जॉब भी तो आया था, उसी के पास होगा सारा सामान, उसने हमसे पहले सब कुछ लूट लिया। हाँ लुटेरे चौप ने सब कुछ लूट लिया हमसे पहले। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है गाइस, लुटेरा चौप, आज तो उसका नाम ही रख देता मैं तो कह रहा हूँ लुटेरा चौप। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, कहीं वो बुरा ना माने बस गाइस इस नाम से। अरे तुम लोग मेरी बात कर रहे हो क्या? एक सेकंड देखो गाइस, दोनों हाथ में मिरर लेके घूम रहा है, अबे पागल ऐसी चीजों को छुपाना चाहिए। अरे पर क्यों? क्योंकि फिर हमारे जैसे गंदे लोग तुम्हें मार के काट पीट करके तुम्हारी सारी चीजें लूट लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहा शिनचान, मारते ऐसे। रुक जा एक मिनट, भगरा कैसे? देखो गाइस कैसे भगरा है, तेरे पास तलवार वगैरह तो है ना? अरे हाँ है। नहीं होगी ना तो फिर मेरे से मत मांगे, मेरे पास भी नहीं है। एक मिनट गाइस कहाँ भग रहा है यार, ये तो भक्ति चले जा रहा है भाई इतनी तू। अरे ओ विलेज गुम हो जाएगा, कहाँ जा रहे हो तुम? कोई नहीं यार रुक जाओ, लड़ाई मत करो, आराम से मिल बांट करके काम करेंगे ना, ये क्या बात ही, होस्ट कम्युनिटी वाली हरकतें क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ ये बात हुई ना, ये लो इस बात पे तुम्हें कि मिरर देता हूँ मैं। अरे नहीं मेरे को दो। तुम्हें क्या दो, तुम तो मेरे को मार रहे थे। अरे तो क्या हो गया, मेरे अच्छे डॉगी नहीं हो तुम, दे दो मेरे को मिरर। एक सेकंड गाइस, चलो अच्छा है उसने उसे भी मिरर दे दिया। हाँ मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ दिल का। हाँ तुम बिल्कुल जवान हो। जवान और बूढ़े वाला बूढ़ा नहीं बोला यार उसने, उसने बोला बुरा नहीं हूँ दिल का। वो अच्छा।
अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ खैर यार यहाँ पर से इमरल्ड उठाता हूँ मैं, उठा लिया गाइस, एक इमरल्ड मिल गया मेरे को गाइस पहले दिन में ये एक इमरल्ड। खैर ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है पर छोटी बात भी नहीं है यार, इतनी बड़ी अचीवमेंट हमें मिली है गाइस, हम सो सकते हैं फाइनली और फिर हम लोग सीधा कल सुबह उठ करके बनाएंगे अपना घर। तो फिर ये वाले घर में सो जाता हूँ मैं, एक मिनट हटियो यार। अरे यार शिनचैन सो गया उस पे, चलो कोई बात नहीं, गेट बंद कर देते हैं और जाते हैं दूसरे घर में सोने। खैर मेरे पास तो पलंग है, एक काम करते हैं गाइस, जो मजा बाहर सोने में है वो घर के अंदर सोने में बिल्कुल नहीं आता। एक मिनट, नहीं नहीं घर के अंदर ही सोऊंगा मैं, यहाँ पर बाहर नहीं सो सकते। यहाँ पर गाइस अभी स्केलेटन ने तीर मारा यार पिछवाड़े पे देखे, एक सेकंड हटो तुम यहाँ से यार, ये स्केलेटन पीछे तक आ गया यार मेरे, ये देखो गेट पे खड़ा हो गया भाई। मेरे को नहीं चाहिए भाई तुमसे कोई सामान, तो अपने एरो वगैरह कहीं और जाके बेचो। खैर चला गया, एक मिनट सोने नहीं दे रहा, ये कैसे सो सकता है गाइस, अगर आसपास मॉन्स्टर है तो हम क्यों नहीं सो सकते। अरे रुको मैं आपकी तकलीफ दूर कर देता हूँ। हाँ गाइस जब शिनचैन नोहारा आ गया उसने मार दिया गाइस उसे। हाँ चल यार शिनचैन मैं सो जाता हूँ, चल ठीक है बहुत ही बढ़िया। हाँ मैं चलता हूँ गाइस, बता नहीं क्यों शिनचैन समुराई जैसी बातें करता है कभी कभार। हाँ गाइस अब जा करके सुबह हुई है, अब हम लोग अपना घर बनाने जाएंगे आज। हाँ यहाँ पर विलेजर्स भी है, मतलब कि गाइस हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो यार विलेज मिल गया, इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है गाइस हमारी। अरे देखो मेरे को क्या मिला। क्या मिला? एक सेकंड तेरे पास बोर एरो कहाँ से आ गया? अरे अभी स्केलेटन ने ड्रॉप करा, मैंने उठा लिया। देखो कितने गंदे हो तुम, दूसरों की फेंकी हुई चीज उठा ली। अरे मैंने फेंकी हुई चीज थोड़ी उठाई है, माइनक्राफ्ट के अंदर तो होता ही ऐसा है, जो चीजें काम की हो उसे उठा लो भले वो कहीं से भी आए। हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा है यार शिनचैन। तो गाइस एक एक्स तेरे पास एक्स्ट्रा होगी क्या? अरे हाँ थी तो, पर पता नहीं कहाँ चली गई, इसलिए एक और बना देता हूँ। हाँ जल्दी से एक्स बना दे। हाँ तो गाइस हमें फाइनली एक्स दे दिया शिनचैन ने, इसे तोड़ता हूँ जल्दी जल्दी अब इस पेड़ को। लकड़ियों की गाइस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है यार। हाँ सारे वेपन में यूज होती है। हाँ गाइस एक पल ऐसा नहीं होता जब लकड़ी की जरूरत ना पड़े, इसलिए जितनी ज्यादा लकड़ी तोड़ोगे उतना ही ज्यादा फायदा है तुम लोगों का। हाँ तो गाइस फाइनली हमने काफी सारी लकड़ियां मतलब अभी तोड़ ली है, एक ही पेड़ तोड़ा है वैसे तो मैंने, पर फिर भी जल्दी जल्दी तोड़ता हूँ बस, जहाँ तक हाथ पहुँच रहा है गाइस वहाँ तक का पेड़ तोड़ देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, इससे बना लेते हैं हम वुडन प्लैंक्स, और इस वुडन प्लैंक्स से हम लोग बना लेते हैं एक क्राफ्टिंग टेबल। यहाँ पर लगाता हूँ इसे, और इसके ऊपर अब हम बना लेते हैं हमारे लिए थोड़े से लकड़ी के वेपन्स। क्यों यार आप गाइस देख सकते हो यार ये वुडन एक्स क्या कितना कम मतलब कितनी कम हेल्थ होती है यार इसकी, इतनी जल्दी खत्म हो जाती है। अभी मैंने एक पेड़ काटा और देखो गाइस ये आधे से हल्की सी ज्यादा है बस, मतलब कि भाई कितनी ज्यादा लो होती है यार इसकी वो। अरे भाई तो मेरे खुद के वेपन देखो सारे खत्म हो गए एकदम से। हाँ यार सही कह रहा है। तो गाइस यार अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया, बहुत हो गए गाइस लकड़ी के वेपन। सामने देखो इतने बड़े सारे पत्थर लगे हुए हैं, क्यों ना मैंने खोदने जाए अब सीधा। तो चलो यार मेरे पीछे आ जाओ, एक मिनट अभी खाई में गिर जाता मैं, डैमेज पड़ता अच्छा खासा, बताना तो चाहिए यार खाई है आगे। अरे आप ही आगे आगे भग रहे थे, मैं क्या करता इसमें। खैर ये भी सही बात है। तो गाइस एक पिकैक्स तो पड़ी है मेरे पास वुडन की, जो शिनचैन ने मुझे दी थी, इसे लेता हूँ जल्दी से। और यार इन्होंने पत्थर भी तोड़ने शुरू कर दिए, मेरे को भी अचीवमेंट मिल जाए। मिल गई गाइस फाइनली अचीवमेंट, अब जल्दी जल्दी तोड़ता हूँ बस पत्थर तोड़ता हूँ। फाइनली गाइस मुझे कोल मिल गया। अरे मेरे को भी मिल गया, बहुत ही बढ़िया यार चॉप, अच्छा है गाइस। अभी कोल जल्दी जल्दी तोड़ते हैं हम लोग, इस कोल को रख लेते हैं गाइस, कोल का भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है अभी फर्नेस के अंदर, हम इसी को यूज करने वाले हैं। हाँ गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार खोदने में लकड़ी की। यार ये पिकैक्स भी देखो यार अभी खत्म ही होने वाली है, हालांकि इसकी हेल्थ यार वुडन एक्स से थोड़ी सी ज्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि काफी सारे पत्थर खोदे अभी हमने और ये अभी भी मतलब बची हुई है, और एक्सपी भी अच्छी खासी मिल रही है गाइस कोल को खोद के। यही तो फायदा होता है कोल खोदने का। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है यार। अभी गाइस मैं अच्छा खासा वैसे 3-4 लेवल का होता, लेकिन स्टार्टिंग में मैं मर गया था इस चॉप की वजह से, पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गया था, उसका पीछा करते करते हम लोग भी गायब हो गए फिर उसके पास से, और फिर हम लोगों को इस वर्ल्ड से गायब कर दिया था स्केलेटन ने। अरे सब जादूगर बन गए थे शायद। अरे मेरा मतलब था कि मार दिया था यार, हर चीज को एकदम लिटरली नहीं लेते यार शिनचैन। अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ हर चीज को सीरियसली ले लेता है गाइस बिल्कुल। यार अभी गाइस पता नहीं कितने कोबलस्टोन, गाइस 17 कोबलस्टोन हुए अभी हमारे पास, हमें और खोदने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी तोड़ना शुरू करता हूँ बस गाइस, हमारा मेन मोटिव एंडर ड्रैगन को मारना होने वाला है। और खैर ये तो अच्छी बात है गाइस, हमारे आसपास पानी वगैरह भी है, बहुत ज्यादा काम आएगा गाइस ये जब हमें ऑब्सीडियन बना करके हमें नेदर पोर्टल बनाना होगा, और फिर नेदर पोर्टल की मदद से गाइस हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर और कर सकते हैं। मतलब कि यार नेदर में जाने का मतलब ही गाइस ये होता है कि हम बहुत ही अब खतरनाक वेपन्स बनाने वाले हैं। और यहाँ पर कितना सारा कोल है गाइस, मतलब यार भर भर के कोल ही कोल मिले जा रहे हैं यार। आयरन ओर तो दिखाई नहीं पर कहीं पर। अरे मिल जाएगा उसमें क्या है। हाँ ये भी सही बात है।
खैर गाइस अभी सबके सब कोल खोदने में लगे हैं। अरे पता नहीं आयरन ओर क्यों नहीं मिल रहा, सीधा और भी खत्म है, वेपन्स बना ली थी। हाँ यार आयरन ओर पता नहीं मिलेगा कब, उसके लिए तो शायद अंदर खोदना पड़ता है ना, मतलब नीचे की ओर। अरे नहीं उसके लिए हमें बहुत लंबा सा टावर मिलता है, हमें उसे नीचे से खोदते हुए ऊपर जाना होता है। ऐसा भी कुछ होता है? अरे नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं चेक कर रहा था आपको कितना पता है, नो भी हुआ अभी भी। अरे यार ये क्या बात हुई शिनचान, तू भी पागल ही है एकदम, ऐसे फालतू के मजाक मत किया कर, और मुझे ये सच सच बता कि आयरन ओर मिलेगा कहाँ पर? अंडरग्राउंड ही मिलेगा ना, जैसे कॉपर वगैरह। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, अंडरग्राउंड ही मिलेगा। यार गाइस मेरे को लग रहा है इस कॉपर को तोड़ते तोड़ते मेरी पिकैक्स भी टूट जाएगी। नहीं टूटी एक मिनट, लेकिन कॉपर का ओर भी नहीं मिला यार हमें, फालतू में मेहनत होगी बस। अभी इसे तोड़ता हूँ यहाँ पर, देखो टूट गई है। फाइनली वक्त आ गया गाइस कि हम लोग एक और क्राफ्टिंग टेबल बनाए, पहले तो क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल मैं नीचे छोड़ के आ गया यार। गाइस यहाँ पर लगा देता हूँ इसे। अरे रुको मैं आ गया, गरीब सी शक्ल वाले लोगो मेरे पास है क्राफ्टिंग टेबल। कोई जरूरत नहीं है, और हम इतने भी गरीब नहीं है, हमने अपनी क्राफ्टिंग टेबल खुद बना ली। अब इसके अंदर हम जल्दी से लगाते गाइस ये स्टिक बनाते हैं। यार पहले तो मेरा सारा सामान गिर गया यार, स्टिक ज्यादा नहीं बना रहा मैं, एक दो स्टिक मतलब 8-9 स्टिक काफी रहेगी। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ अब स्टोन की पिकैक और एक स्टोन की एक्स। अरे मेरे पास एक आइडिया आया। कैसा आइडिया? क्यों ना मैं आयरन इनगोट की बकेट बना दूं। बकेट बना लियो तू, एक मिनट यार रात हो गई है फिर से, घर बनाना यार हमें, हम ये क्या काम करने में लगे हुए हैं। अरे भाई तो मैं भी सोच रहा हूँ इतनी देर से। खैर कोई बात नहीं गाइस, अब कल सुबह पक्का घर बनेगा, अब तो घर बन के रहेगा यार, कब तक हम दूसरों के घरों में जाके सोएंगे ऐसे। अरे भाई तो हाँ, तो गाइस जल्दी से सो जाता हूँ यार मैं पहले तो। हाँ गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है, हम लोग निकलते हैं यहाँ से अब, और यार आज तो घर बना के रहना चाहे कुछ हो जाए। अरे रोजी ऐसा बोल रहे हैं हम, पर आज बना ही लेंगे। हाँ यार शिनचान आज तो बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, काम करते हैं गाइस इनके घर के पीछे अपना घर बना लेते हैं। नहीं यार पीछे अजीब लगेगा। अरे यही बना लेते हैं यहाँ पर, इतना बड़ा घर बन भी पाएगा यहाँ? अरे सब बन जाएगा, बस बैटरी तो लगानी होगी हमें, ताकि हम इस फ्लोर को प्लेन कर सके। हाँ यार ये भी सही बात है, जो जल्दी जल्दी प्लेन कर देते हैं। और गाइस अब पूरा फोकस है हमारा यहाँ पर घर बनाने पे। हाँ गाइस हम इसे प्लेन कर रहे हैं, एक सेकंड डर्ट लगाता हूँ मैं भी, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस डर्ट फैला देंगे हम। अरे गरीब लोग तुम्हारे तो सोच भी गरीबों वाले रहेगी। एक सेकंड हम गरीब कहाँ से हो गए अब, हमें क्या कमी है, मतलब इतने सारे सामान तो है हमारे पास। अरे वैसे नहीं कह रहा मैं, घर यहाँ पर थोड़ी बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे वो देखो ऊपर पहाड़ पे। हाँ, देख करके मजा आ गया एकदम। हाँ बिल्कुल सही बोला गाइस, ये किस तरीके से बातें कर रहे हैं, किसी फिल्म का सीन लग रहा है एकदम। एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है तुम्हारा भी मतलब सही है क्या ना, पहाड़ पे बनाते हैं घर। हाँ वहाँ पर जगह ही जगह होगी हमारे पास, हमें किसी बेचारे विलेजर का घर भी नहीं तोड़ना पड़ेगा बाद में, अगर हमें अपना घर बड़ा करना है तो। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोली है तूने, तो गाइस यहाँ पर घर बनाएंगे हम अपना, इस प्लेन जगह पर, यहीं पर बनाना है ना। हाँ यहीं पर बनाएंगे। चल ठीक है, अबे देखो मैं नीचे जीने बना रहा हूँ। नीचे जीने बना रहा है तू, एक मिनट किस लिए पर? अरे विलेज से यहीं पर चढ़ जाएंगे ना सीधा आराम से। हाँ खैर ये भी सही बात है, चल बढ़िया है, तू अपना काम कर हम अपना काम करते हैं। एक सेकंड इस एरिया का थोड़ा सा प्लेन करते हैं गाइस। अरे हाँ जल्दी जल्दी करो। हाँ तो गाइस अभी जल्दी जल्दी मैं प्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, शिनचान को पता नहीं क्या हो गया है, देखते हैं गाइस जल्दी जल्दी प्लेन कर देते हैं पूरा सरफेस अच्छे से। एक सेकंड मेरे मुंह में क्यों घुस रहा है यार तू, कोई क्या दिक्कत है? अरे मैं ये देख रहा था आप अच्छे से काम कर भी रहे हो कि नहीं, लगी रहो। एक सेकंड मैं अकेले थोड़ी करूंगा, तू भी मदद करा। क्या मुझे भी मदद करानी थी क्या? तो पहले बोलनी थी ना ये बात, आनी तो बाद में मत बताया करो। हाँ गाइस मेरा दिमाग फाड़ने वाली बातें करता है यार ये। हाँ गाइस जल्दी जल्दी खोदना स्टार्ट कर देता हूँ यार, अच्छे से एकदम प्लेन करना है गाइस इस जगह को हमें बिल्कुल। वाओ गाइस चॉप ने नीचे सीढ़ियां भी बना दिया बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो काम ही अच्छा करता हूँ हमेशा। हाँ हाँ अपनी तारीफ कर ले बस तू। खैर गाइस अभी मैं यहाँ पर प्लेन करता रहता हूँ बस इस जगह को, जल्दी जल्दी घर को एकदम गाइस महल की तरह बनाएंगे हम। अरे इस चेस्ट में सारा सामान रख देना आप। हाँ चल ठीक है, मैं इस चेस्ट में सारा सामान रख देता हूँ जो भी मेरा काम का नहीं है, जैसे कि ये सब ये ग्रेवल वगैरह भी मेरे काम की नहीं है। फ्लिंट भी मिल गया गाइस हमें बताओ। अरे कोबलस्टोन देना थोड़े से, ये ले जा ले ले। हाँ तो गाइस अभी रुको यहाँ पर से और भी सामान मैं फेंक देता हूँ कह रहा हूँ मैं, मतलब चेस्ट में रख देता हूँ। ये फूल वगैरह भी मेरे किसी काम के नहीं है। हाँ ठीक है, एमराल्ड वगैरह भी डाल देता हूँ अंदर ही। अब तो सारा काम वैसे भी मिल बांट के करने वाले हम लोग, तो जो एक्स्ट्रा पलंग मेरे पास है इन्हें भी मैं रख देता हूँ यार अंदर। लकड़ी की तो खैर जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ी सी लकड़ी ले लेते हैं, आधी लकड़ियां लेना एकदम सही रहेगा। कोबलस्टोन भी आधी ले लेता हूँ मैं बस। हाँ अब ठीक है, खैर अभी जल्दी से खोदना स्टार्ट करते हैं हम इस एरिया को। गाइस प्लेन बनाने के लिए हमें यहाँ पर से इन सबको हटाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हटा देता हूँ। हाँ गाइस हमें कॉपर भी मिल गया, पर ये किसी काम का नहीं होता जहाँ तक मुझे पता है। अरे सच में नहीं होता किसी काम का? ऐसा भी है क्या कुछ? बस एक डेकोरेटिव ब्लॉक बनाने के काम आता है। फिर तो खैर किसी काम का नहीं है। हाँ तो गाइस इधर पे लेबल मतलब हमने इतना कर दिया है, मतलब इसी लेबल के ऊपर हमें रखना है अब सब कुछ। एक काम करता हूँ मैं, क्यों ना यहाँ पर ये कोबलस्टोन लगाने शुरू करूँ ताकि ये सब प्लेन हो जाए। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पर से हमें प्लेन बनाना है, इसे जल्दी जल्दी कोबलस्टोन लगा देता हूँ ऐसे। गाइस सर्वाइवल मोड में सच में यार हर चीज को लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर गलत लग गई तो तोड़ना पड़ता है और तोड़ने में इतना टाइम वेस्ट होता है। अभी क्रिएटिव मोड में होता ना तो सब कुछ एक मिनट में हो जाता। हानि तो
अरे पर यही तो दिक्कत है, सर्वाइवल सीरीज के अंदर क्रिएटिव मोड में नहीं जाना चाहिए वरना वो चीटिंग हो जाती है। खैर गाइस बोल भी कौन रहा है यार ये बात, शिनचैन जो खुद इतनी चीटिंग करता रहता है अक्सर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान हूँ। रहने दे, अपनी अपनी तारीफ तो वैसे भी तू करता ही रहता है असल में। खैर गाइस मैं भी और कोबल स्टोन ले लेता हूँ अपने साथ और इन्हें एकदम प्लेन करने के लिए लगाता रहता हूँ। ऐसे फिर से रात होने वाली है, तुम सब पलंग वलंग तो लेके आयो ना अपने साथ। अरे किस लिए, विलेज में चल लेंगे ना सोने। हाँ यहीं पर सो जाते, फिर उठते ही तुरंत काम भी करने लगते, एकदम ही मजदूरों वाली जिंदगी हो जाती है गाइस। कोई नहीं मैं एक बेड ले लेता हूँ। चलो गाइस अच्छा है तुम सब भी बेड लेके आए थे, अभी जल्दी से बेड लगाते और यहीं पर सो जाते हैं। मैं तो सो गया। अरे मैं भी सो रहा हूँ बस, कहाँ पर लगाऊँ, कहीं भी लगा के सो जा बस सो जा। तो गाइस अभी हम सो रहे हैं और अब हम फाइनली उठ गए हैं, एकदम ही सुबह हो चुकी है। अपना बेड ले लेता हूँ, तुम भी अपने बेड तोड़ के लगा सकते हो। खैर गाइस अभी खतरे वाली बात हो जाएगी अगर मैं बैट तोड़ के लगा दूंगा तो, क्योंकि रिस्पॉन पॉइंट सेट हो रखा है गाइस मेरा वहाँ पर, वो खराब तो नहीं हो जाएगा ना। खैर मेरे को इतना पता नहीं है यार, अब वही काम करना शुरू करते हैं फिर से इस जगह को लेवल में लाने के लिए। ऐसे ऐसे कोबल स्टोन लगाना शुरू कर देता हूँ मैं और पत्थर ले लेता हूँ गाइस। हाँ इतने सारे कोबल स्टोन यूज कर रहे हैं हम, पता नहीं फिर घर किससे बनाएंगे अगर इन्हें यहाँ पर यूज कर लेंगे तो। अरे इतने सारे कोबल स्टोन है आसपास, कहीं से भी ले आएंगे। हाँ खैर देखते हैं कहाँ से लेके आते हम। बस गाइस थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा रह रहा है। पर गाइस जितने बड़ा हमें घर बनाना है केवल उतने ही बड़े जगह को अभी हम प्लेन करेंगे बस। बस होने वाली है गाइस, पीछे की ओर जाते जाते जल्दी, अरे यार गलत लग गया एक, यही मैं बता रहा था गाइस अगर गलत लग जाता तो दिक्कत हो जाती है फिर। खैर कोई नहीं हम लगाते हैं जल्दी जल्दी, इतना बड़ा एरिया प्लेन एकदम सही लग रहा है यार मुझे अभी। अरे हाँ थोड़ा सा और कर रहा हूँ मैं इस साइड से। हाँ चल तू कह दे। गाइस काफी ज्यादा बड़ी एरिया हमने प्लेन कर दिया अभी, अब जल्दी से घर बनाना स्टार्ट करेंगे बस। तू कर क्या रहा है, ऊपर नीचे क्यों जा रहा है बस। अरे चेक करना जीने मजबूत तो है ना। पागल है क्या, जीने कैसे मजबूत नहीं होंगे यार, पत्थर के जीने है वो। हाँ लकड़ी के थोड़ी है कि पानी लगेगा तो सड़ जाएंगी। वैसे भी गाइस माइनक्राफ्ट में नहीं सड़ते हैं, ये अलग ही लोग है यार। और ये क्या बनाया इसने, नाली किस लिए बनाई है तूने। अरे टॉयलेट का पानी कहाँ से निकालोगी, अपने मुँह से। पागल है क्या यार तू, ऐसा नहीं होता यार, इसको तोड़ जल्दी। अरे वही कर रहा हूँ गाइस, अजीब अजीब बातें करा लो बस इससे। हाँ तो गाइस अभी बनाना शुरू करते हैं यार अपने घर को, पहले तो ये पलंग वलंग तोड़ो सारे, और सारा सामान ये चेस्ट में रख के आता हूँ मैं अभी, ये वाला पलंग भी तोड़ देते हैं। तो अभी इन सारे सामान को ऐसे रख देता हूँ मैं पहले, और गाइस यहाँ से एंट्रेंस होगी ना ऊपर की ओर, तो फिर हमें एक काम करना होगा और थोड़ा बीच में रह घर ऐसा बनाना होगा। तो ये कितने ब्लॉक्स का, एक दो तीन, मतलब कि गाइस तीन ब्लॉक्स यहाँ बीच के हैं, तो यहाँ पर तो गेट ही बनेगा, इसलिए मैं उसके लिए एक पहले से पत्थर खड़ा कर देता हूँ एक ऊंचा सा। अरे ऊंचा सा करना था, ये क्या हो गया। आप सीखे गाइस ऐसे आएंगे तो सामने गेट दिखेगा। एक सेकंड मैंने तो ये देखा ही नहीं था गाइस, खाना बिल्कुल ही खत्म है यार मेरे पेट के अंदर से। अब मैंने ब्रेड खाई है तो अब थोड़ा ठीक है। यहाँ पर पड़ा है क्या कुछ खाने पीने का। हाँ गाइस थोड़ा सा पड़ा है, ये ले लेता हूँ, अब इसे खा लेते गाइस रॉ मटन को। हालांकि रॉ मटन इतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ाता फूड की लाइन को, लेकिन फिर भी अगर हेल्थफुल करनी है तो फिर खाना तो पड़ेगा गाइस। बहुत ही बढ़िया, हेल्थ भी फुल हो गई है। अरे मेरे से ब्रेड ले लेते। अरे कोई बात नहीं मैंने खा लिया, चल ठीक है तू दे रहा तो ले ही लेता हूँ। गाइस अच्छे खासे ब्रेड्स मिल चुके हैं अभी हमें। अरे देखा मैं क्या कर रहा हूँ अब। अरे वाह गाइस चॉप ने वॉल भी खड़ी कर दी है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, मतलब ज़ॉम्बीज वगैरह तो अब आएंगे ही नहीं हमारे घर में। और एक और काम मैं कर देता हूँ छोटा सा, खैर उसके लिए मेरे को पहले चेस्ट के अंदर से सामान निकालना पड़ेगा जैसे कि कोल। हाँ टॉर्च बना ले तो एक काम करते हैं। अरे मत बना मेरे पास है। अच्छा तूने पहली बना ली क्या, चल अच्छी बात है, तो लगा देते हैं बस इन्हें। एक मिनट गाइस इसने तो एकदम ही खतरनाक एंट्री बना दिया यहाँ पर। जब गाइस सारे लोग मिलके काम करते हैं ना तो एकदम ही ओपी तरीके से काम होता है पूरा। एक काम करते हैं घर को मतलब किस तरीके से बनाना है, एक काम करता हूँ मैं पहले यहाँ पर जाता हूँ और इधर पे पहले डोर बना लेता हूँ एक काम करते हैं। हाँ तो गाइस डोर बन चुका है यहाँ पर, हाँ तीन डोर बने एक साथ। हाँ तो मेरे पास अब डोर है। खैर खुली जगह पे डोर क्या लगाना है यार, घर को थोड़ा बीच से स्टार्ट करेंगे। काम करते हैं मतलब बीच वाला हिस्सा गाइस पहले बना लेते हैं। तो एंट्रेंस जब अगर ऐसे करेंगे हम तो फिर गाइस जल्दी से घर के अंदर घुसना भी होगा हमें, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया गाइस, चॉप अपने आप ही बना रहा है गाइस, बहुत ही अच्छी बात है। तो और एक काम करते हैं घर की बाउंड्री हम कोबल स्टोन की रखे क्या। अरे हाँ बिल्कुल बढ़िया लगेगी, ठीक है तो अच्छी बात है। एक सेकंड मैं पिकैक्स से पहले से तोड़ू, गलत जगह लग गया। तो इन बाउंड्रीज को हम ऐसे बना देते हैं गाइस, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे, बहुत ही बढ़िया गाइस। अभी से ही घर अच्छा लगने लग गया यार, जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है अभी। अरे हो गया। हाँ हो गया, और ऊपर से हम लोग वुडन प्लैंक्स का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर तो रह गया, पर खैर ये तो एंट्री है गाइस, एंट्री ऐसी रहे तो अच्छा है। मैं डोर भी लगा देता हूँ यहाँ पर जो मैंने बनाया था। हाँ बिल्कुल बढ़िया, ऐसे अंदर जाएंगे, ऐसे बंद भी कर देंगे। अब तो लग रहा है बहुत ही जल्दी घर बन जाएगा क्योंकि हम सब साथ में जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही लग रहा है यार शिनचैन तुझे। और ये वॉल्स भी अभी हमें कोबल स्टोन की बनानी है क्या। खैर गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कोबल स्टोन लगा लेते हैं बिल्कुल ऐसे, बहुत ही बढ़िया। शिनचैन ऊपर तक तोड़ दिया गाइस शिनचैन ने, और यहाँ पर भी एक लगना रह रहा है, खैर मैं वो लगा दूंगा अभी।
बस गाइस हो गया फाइनली, और एक और दो बस लग रहा है, मतलब दो लाइनें और लगानी है बस हमें ऐसे, यहाँ पर लगा दिया फाइनली, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ अब, लगा दी। अरे नीचे आ जाओ। हाँ गया नीचे। ओहो भाई सब गाइस डैमेज भी नहीं पड़ा यार, शिनचैन ने अपना दिमाग चलाया। अरे मेरे पास है इतना सारा दिमाग, अब क्या करें, चलाना पड़ता है। हाँ कह रही है भी सही बात है। तो गाइस अभी वॉल क्रिएट कर देते हैं पूरी लकड़ी की, बिल्कुल ऐसे। खिड़की वगैरह तो गाइस हम इसमें से बाद में तोड़ लेंगे, खिड़कियों की तो दिक्कत ही नहीं है कोई। अभी मेन बात यहाँ पर वुड वगैरह की है, और वुड है भी हमारे पास, कोई बात नहीं गाइस मैं बना देता हूँ जल्दी से। वुडन प्लैंक्स ही तो बनाने हैं बस। ये वाली वॉल भी बन जाएगी अब पूरी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना दी गाइस। एक मिनट गाइस, बाउंड्री तो पूरी बनने वाली है, फिर छत भी बनाएंगे हम लोग। हो गया गाइस फाइनली, अभी केवल आगे की बाउंड्रीज रह रही है, इन्हें भी कवर कर ही देता हूँ यार, जितनी हो पाएंगी कवर उतनी। हाँ गाइस अभी इतना ही कवर हो पाया है, अभी जल्दी से हमें घर भी भागना पड़ेगा क्योंकि लकड़ियां हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बची है। सबसे पहले लकड़ियां लेके आते, अरे एक सेकंड यहीं पर भी तो सो सकते थे। ठीक है तो फिर मैं यहीं पर सो जाता हूँ गाइस अपना बेड लगा करके। हाँ मैं तो सो गया, शिनचैन जल्दी से सो जा इससे पहले क्योंकि मॉन्स्टर वगैरह आ जाए आसपास। अरे हाँ सही बोला बिल्कुल, जल्दी से लेट जाता हूँ। हाँ लेट जा जल्दी, लेट गया गाइस फाइनली। तो गाइस अभी हम सो गए, जल्दी से उठ जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, मेरे बोलते एकदम से रात खत्म हो गई। अब इसे डाल देता हूँ वापस से चेस्ट के अंदर। अरे ये लो लकड़ियां लो जल्दी। हाँ चल मैं उठाता हूँ, एक सेकंड गाइस उठा लिया मैंने। अरे यार ये क्या करा, इसे एक से पिकैक्स से क्यों तोड़ रहा हूँ, एक्स भी है मेरे पास, एक्स से तोड़ते गाइस जल्दी। इसे ले लेते हैं और इससे जल्दी से वुडन प्लैंक्स बना लेते हैं। हाँ आप सही है, और इस दीवार को पूरा कवर कर देता हूँ मैं बिल्कुल ऐसे। हाँ गाइस फाइनली पूरा कवर हो गया है। गाइस खाना पीना खाते रहते हैं साथ में थोड़ा सा, और अभी शिनचैन हमारा लकड़ियां लेने गया है, उसके बाद हम ऊपर की छत भी बना लेंगे। खैर मैंने दीवार वगैरह तो सारी कवर कर दी है। तो गाइस यहाँ पर अभी हम नॉर्मल छत बना रहे हैं, बाद में हम लोग इसको और भी अच्छे से अपग्रेड कर देंगे। अभी तो जल्दी जल्दी बस ब्लॉक लगाते हैं। तो आप एक काम कर, तू उस साइड से लगा, मैं इस साइड से लगा लेता हूँ। अरे क्या बात है, मैंने इतनी सारी मेहनत करी उस साइड। अरे यार तो क्या हो गया, कहीं से भी लगाओ, घर बनाने से मतलब है ना, ये थोड़ी कि कौन पहले बनाएगा कौन नहीं, क्योंकि हम तो साथ में ही घर बना रहे हैं। हाँ चलो ये सही बात है। खैर गाइस जल्दी जल्दी लगाते हैं अभी बिल्कुल ऐसे, यहाँ से ऐसे लगा लेता हूँ, यहाँ पर से भी ऐसे, ज्यादा जल्दी एरिया कवर होता है पता नहीं क्यों, थोड़ा सा एरिया रह गया। अरे मैं कवर कर दूंगा। हाँ चल तू कर दे, मैं तो चलता हूँ नीचे सीधा। एक मिनट यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा गाइस। अरे यार काफी लंबा तोड़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है मैं नीचे पहुंच गया, और ये प्लैंक्स रख देता हूँ एक सेकंड में। गाइस बाहर से अभी एकदम ही नॉर्मल लग रहा है घर, और एक काम करता हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप का कर देते हैं। वैसे होगी भी डेकोरेशन पता नहीं, नहीं 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 ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर लगाऊंगा तो तब भी गाइस घटिया ही लग रहा है पता नहीं क्यों। अभी गाइस किसी लायक नहीं है घर, ये घर केवल अभी गाइस एक डिब्बा है जिसके अंदर लोग रहते हैं, बाद में हम इसे एकदम ही सुंदर बना देंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर जीने तोड़ दिया गाइस चॉप ने, किस लिए? अरे ये वाला लगाऊंगा इसलिए। अच्छा ठीक है लगा जल्दी लगा फिर, खैर गलत जगह से लगा रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा, ऊपर से तेरे को नीचे की ओर लाने चाहिए थे। अरे हाँ ये भी सही बात है वैसे। खैर तो ट्राई कर अगर तू ऊपर पहुंच जाता है तो। अरे टेढ़ा लग गया तो अब जाएंगे कैसे, उसे तोड़ के फिर से भी लगा सकता था तू, पर खैर छोड़। अरे सारे टेढ़े लग रहे हैं। आप जाके सीधा लगा गाइस, एक ऐसे लगाता हूँ आप जाकर के, तूने सही से लगाया एकदम। फाइनली गाइस जीने बन चुके हैं, छत भी बनी चुकी है। एक काम कर अंदर टॉर्च लगाते हैं घर के, और घर के अंदर बस अभी बेड डाल लेते हैं, फाइनली हमारा घर तो बनेगा कम से कम। खैर मैं गाइस अपना बेड ले लेता हूँ पहले अलग, मैं कहाँ लगाऊँ। अरे साथ में लगा देते हैं तीनों बेड। हाँ चल ठीक है साथ में लगा देते हैं, मैं ही लगा देता हूँ सारे बेड। इधर कोने पे लगाओ। हाँ चल ठीक है, ये बीच में येलो वाला कर देते हैं, और इस साइड में ये वाला, और इस साइड ये व्हाइट वाला। हाँ गाइस अब बिल्कुल सही लग रहा है। अरे हाँ ये हुई ना बात। खैर वैसे एक और काम करके देखते हैं गाइस, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि शिनचैन बैट छोड़ जल्दी। अरे छोड़ता हूँ ये लो। और ऐसा करके ऐसे लगाएंगे तो नहीं गाइस अच्छा नहीं लग रहा, वही सही था गाइस बीच में लगाने वाला सीन वही कर देते हैं। हाँ अब सही है बिल्कुल, और ये सारा सामान अब मैं अंदर डाल देता हूँ इसके, अपने खाने पीने का भी थोड़ा सा खाना खा ही लेता हूँ, वैसे भी गाइस मेरे एकदम से हेल्थ ना जाने लगे अभी, तो इसे खाते हैं जल्दी जल्दी। आप ठीक है, और ये रख देता हूँ। हाँ गाइस अब जाकर के फाइनली घर बना, एक बारी छत पे जाके देखते हैं कि चौहान क्या कर रहा है। अरे लाइटें लगा रहा था, अच्छी लगती है ना ऐसे। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम ही दूर से हमारा घर चमकता हुआ दिखेगा। गाइस कितना ही अलग लग रहा है यार सब कुछ, वो देखो सामने विलेज है और उसके ऊपर हमारा घर, और नीचे है गाइस अभी घर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा नीचे, क्योंकि गाइस अभी तो यार शुरुआत ही हुई है केवल, और इससे ज्यादा हम तीन लोग मिलके और कुछ कर भी नहीं सकते थे अभी। पहली बार में एंडर ड्रैगन को थोड़ी मार के आ पाती। खैर आ भी सकते थे ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा लक अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होना चाहिए पूरे दिन। अब मेरा यार मैं क्या ही बोलूं यार, तुम लोग मेरा दिमाग ही खराब करते रहते हो बस, हर कोई अलग ही बात कर रहा होता है गाइस अपनी। खैर पता नहीं रात हुई, एक सेकंड रात हो गई है शायद, सो के देखते हैं फिर से। हाँ गाइस रात हो, एक मिनट, अगर मैं सो गया था तो रात तो हो ही चुकी है ना ऑलरेडी। अरे मैं भी सो जाता हूँ चलो। हाँ जल्दी से सो जा,
हाँ गाइस फाइनली सुबह हो चुके हैं, हम लोग उठ चुके हैं, पर जहाँ तक कि मुझे लग रहा है अभी हमारा घर भी एकदम ही परफेक्ट है गाइस। हाँ, एकदम ही परफेक्ट। परफेक्ट नहीं, वो परफेक्ट होता है गाइस, देखने में तो काफी ज्यादा सुंदर ही लग रहा है यार अभी भी, मतलब पहली बार के हिसाब से। अरे एक बारी नीचे से देख के आते हैं, चलो। हाँ चलो एक बारी नीचे चलते हैं गाइस, यहाँ से हम कूद ही नहीं सकते, देखो अभी नीचे चलते हैं जल्दी से और यहाँ से गेट खोल के बाहर जाते हैं। अरे मेरे को क्या बंद करा था, ध्यान मुझ के थोड़ी गया था यार, गलती से हो गया था। और एक मिनट, ये क्या है, मिस्टर चॉप और नौकर मैक्स और नौकर शिनचैन लिखा हुआ है, देखो गाइस इसने, इसकी हिम्मत क्या है करने की। एक मिनट, इस नेम प्लेट को तोड़ो, ये क्या बात हुई। अरे सही तो लिखा था बिल्कुल, तू खुद को राजा समझता है क्या कहीं का। हाँ, मार के खा जाएंगे, बेच के खा जाएंगे, तुम्हें पता भी है, जानते नहीं होते हम दोनों को। बिल्कुल सही कह रहा है शिनचैन, अब ढंग से नाम लिख के हो, वरना फिर तेरी 10,000 हड्डियां मैं किसी और कुत्ते को खिला दूंगा। अरे अपने 10,000 हड्डियों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रुको लिख देता हूँ अच्छा सा कुछ। अच्छा सा लिख के अब की बार कुछ पता नहीं गाइस, नॉर्मल नाम नहीं लिखा जा रहा था, ये सब लिखने की क्या जरूरत थी, इसे पूरा मूड खराब कर दिया मेरा तो। अरे मेरा खुद का। खैर गाइस अभी देखते हैं, एक मिनट में बाहर गिर गया था अभी वो तो, अच्छा है गाइस साइड में पानी है। तो देखो गाइस हमारा घर थोड़ा पीछे से कैसा लगता है जरा देखते हैं, जब विलेज से हम देखते हैं इसे तो। खैर वो रहा विलेज, यहाँ से सही रहेगा बिल्कुल देखना। एक सेकंड देखो गाइस, एंट्रेंस लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई स्पेशल जगह है, वो मंदिर टाइप का लग रहा है वैसे तो। खैर अभी हाँ बिल्कुल सही बोला, वही तो यार शिनचैन। खैर गाइस हम यहाँ से चढ़ेंगे, ये रहा हमारा गेट, और देखो अब गाइस अब जाके इसने सही लिखा मैक्स चॉप और शिनचैन। इसे बंद करते हैं गेट को, घर अंदर से गाइस अभी फर्नीचर वगैरह हम लगा देंगे बाद में। आपने छत तो देख ही ली, अभी एक और बारी देख लो, ये क्या कर रहा है तू। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के छत को ठंडा कर रहा था। अरे पागल है क्या तू, थोड़ा सा यहाँ इतने भी लॉजिक्स नहीं चलते। खैर अब इधर आ जा। अरे कहाँ पर, कहीं पर नहीं, छत पे आना तो, सॉरी मैं नीचे चला गया था। अरे फालतू में मेहनत क्यों करा रही हो, इतनी ज्यादा मेहनत कर ली वैसी आज। हाँ खैर वो तो करी है गाइस बिल्कुल। तो गाइस आज जाकर के हमने घर भी बना लिया गाइस माइनक्राफ्ट में, हमारी मतलब सर्वाइवल सीरीज का पहला पहाड़ डाल दिया गाइस मैंने, और मैंने नया कैमरा भी खरीद ही लिया था, मतलब अभी जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग डाल पा रहा हूँ अभी। आपको तो पता ही होगा मेरा पिछला कैमरा टूट चुका था, और जैसा कि आप देख ही सकते हो गाइस पहले दिन में हमने इतना अच्छा घर बना लिया है। अरे पहला दिन तो नहीं था ये। अरे हमारे लिए तो पहला ही दिन था ना, भले ही गेम के अंदर गाइस 10-11 दिन बीत चुके हैं, पर फिर भी। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी और चॉप ओपी भी और शिनचैन ओपी भी। हाँ गाइस इन सबका नाम लिख के ओपी जरूर लिख देना। तो शिनचैन अब तेरे को कुछ बोल रहा है लोगों से। हाँ गाइस अभी मैं करूंगा 30,000 लाइक्स का, मुझे पता है तुम्हें तरह ऐसे भी पूरा करवा दोगी, तो प्लीज इसे भी जल्दी पूरा करवा देना। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस फिर से मिलेंगे आपसे किसी ऐसी खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।